हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, वो 20% प्रॉफिट के साथ सेल किया गया था। आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, जिसमें मेथड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे बिना टाइम वेस्ट के इलस्ट्रेशन 11 की तरफ। सो ये रहा हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर, सॉरी 11 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 14। 11 जो है वो आपके होमवर्क में ही समझो, एक जैसा ही है, वही सेलिंग है, प्रॉफिट है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखें तो क्या कह रहा है। तो पीडी कॉरपोरेशन हैज़ अ बैलेंस इन मशीन अकाउंट 65,000। ओके, पहले से उनके पास मशीन पड़ा है, उसका बैलेंस है 65,000। ऑन 1/4/14 कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वेरी गुड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। ऑन 30/9/2014 मशीन वॉज सोल्ड एट अ 10% लॉस टू बुक वैल्यू। फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन पास जनरल एंट्री एंड मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। नाउ देखो, 65,000 का मशीन है 1/4/2014 के दिन, ठीक है, आपने उसे सेल किया है 30/9/2014 के दिन, मतलब ये साल आपने पूरा भी नहीं होने दिया, ठीक है। कितने मंथ तक आपने इस मशीन को यूज़ किया? सो यू यूज्ड दिस मशीन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरा, क्योंकि 30 तारीख तक, ठीक है, मतलब फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, सेवन्थ मंथ, एट्थ मंथ, नाइन्थ मंथ, टोटल आपने कितने मंथ यूज़ किया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आपने इस मशीन को 6 महीने तक यूज़ किया। तो आपको सबसे पहले 65,000 पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा। तो देखो, 65,000 इंटू 10% इंटू 6/12 अगर करोगे तो आएगा 6,500 का हाफ होता है 3,250, आई थिंक 3,250 इतना आता है आपका डेप्रिसिएशन। तो आप पहले तो 65,000 में से इतना डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो जैसे आप माइनस करोगे तो देखिए कैलकुलेशन आगे का, जैसे आप माइनस करते हो तो ये वैल्यू बचती है, ये हुई आपकी बीवी, मतलब बुक वैल्यू। ओके, इस पे आपने 10% का लिया है लॉस, है ना, तो 10% का लॉस लिया है तो इसका 10% लॉस होता है 6,175। ये 6,175 माइनस करते हो तो बचता है ये, क्लियर है इतना। होपफुली ये है सेलिंग प्राइस, ये आपको प्राइस ये मिलेगा आपको बैंक में पैसा इतना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो, मशीन खरीदार नहीं गया है, मशीन ऑलरेडी हमारे पास था, तो आपको पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3,250 टू मशीन अकाउंट 3,250, इज दैट क्लियर। फिर वो मशीन सेल कर दिया गया, तो जब सेल किया तो आपको बैंक में पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 55,575। जो आपका लॉस हुआ है उसे कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेट अगर 31/3 हो तो हम पीएनएल अकाउंट का यूज़ करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। ये 31/3 नहीं है, ये कुछ और डेट है, मिडल ऑफ द ईयर है। तो आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट यूज़ करोगे, टू मशीन अकाउंट बुक वैल्यू गई 61,750। अब देख लेते हैं इसकी मशीन अकाउंट में क्या इफेक्ट होगी, किस तरह से इफेक्ट होगी। हाँ, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करोगे, ये डेप्रिसिएशन 3,250 और ये लॉस, ये दोनों ही पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। क्या? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमारा डेट आता है 31/3/15 आएगा, है ना, तो 31/3/15 के दिन आप ये दोनों चीज़ें ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट। हालांकि यहाँ पर एक ही ट्रांसफर किया है, आप यहाँ पे फोर्थ एंट्री एक और लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। नाउ अगर मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट में देखो, सबसे पहला तो आपके पास बैलेंस पड़ा था, तो 1/4/14 के दिन आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन। जो लॉस हुआ उसे लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6,175 एंड बाय बैंक अकाउंट 55,575। सो होपफुली दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर टू यू। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 15 थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है इसमें। तो सक्षम लिमिटेड हैज़ परचेज्ड वन मशीन ऑन 1/4/12 फॉर 74,000। इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट वॉज 6,000। On 1/10/13,
सेकेंड मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 68,000। ओके, तो पहला मशीन उन्होंने परचेज किया 1/4 को 2012 को 74,000 का, ठीक है। उसका कॉस्ट हुआ 6,000 रुपये इंस्टॉलेशन का, तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 80,000। फिर सेकेंड मशीन परचेज किया 68,000 का, ठीक है, कौन सी डेट को, 1/10/13 को, मतलब 1/4/12 से साल चालू हुआ, 31/3/13 तक पूरा हुआ, मतलब एक साल पूरा हुआ। उसके बाद सेकेंड ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ, 6 महीने बाद में दूसरी मशीन परचेज की गई। आगे अगर पढ़ें, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट 4,000 था, कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर, ओके, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड एट अ 20% लॉस ऑन 31/3/2015। सो 31/3/2015 पहला मशीन जो 3 साल यूज़ करने के बाद हमने बेच दिया। फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द 3 ईयर एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल की ही जर्नल एंट्री लिखनी है और 3 साल का हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले साल की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो ये परचेज की एंट्री होगी, ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो देखिए ज़रा, ये कैलकुलेशन थोड़ी देर बाद में आता है। नाउ फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्रीज अगर आप देखो, तो मशीन अकाउंट डेबिट 80,000, टू बैंक अकाउंट 74,000, टू कैश अकाउंट 6,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000, टू मशीन अकाउंट 8,000, और ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 8,000, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। पहले साल की एंट्री पूरी हुई। अगर मशीन अकाउंट बनाते हैं तो मशीन अकाउंट में हम एंट्री करेंगे पहले साल जो परचेज किया उसकी एंट्री 74,000 और कैश दिया था 6,000। अब हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो है 10%, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो पहले साल हमारे पास बैलेंस है 80,000, तो 80,000 का 10% होता है 8,000, तो 8,000 के हिसाब से आप लिखो तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज़। बैलेंस जो बचा उसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 72,000। एक दिन बाद वो बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 72,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, आप लोग अगर ये सम कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके जहाँ तक मैं करूँ वहाँ तक साथ साथ में अगर करते जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अब चलते हैं, हमने सेकंड मशीन परचेज़ की, तो सेकंड मशीन जो परचेज़ की वो कौन सी डेट को परचेज़ की है। तो सेकंड मशीन इज़ परचेज्ड ऑन 1/10/13। हमारा ईयर पूरा होता है 31/3/14 को, तो 31/3/14 से पहले ये डेट आती है, तो हम पहले परचेज़ की एंट्री देंगे। अब परचेज़ की एंट्री अगर हम देते हैं तो देखिए क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट 68,000, टू बैंक अकाउंट, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट 72,000, मशीन अकाउंट डेबिट 72,000, टू बैंक अकाउंट 68,000 एंड टू कैश अकाउंट 4,000। इस तरह से उसकी परचेज़ की एंट्री होगी, ठीक है। अब 72,000 का मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन अगर आप काउंट करोगे तो कितना काउंट करोगे, तो आप सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन काउंट करोगे, वो भी सिर्फ 6 महीने का, क्यों 6 मंथ का। तो आप अगर देखो तो 1/10/13 से 31/3/14 सिर्फ 6 महीने ही होता है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप पहले मशीन की बात करो तो पहले मशीन में हमने देखो यहाँ तक का काम पूरा किया है, 80,000 स्टार्टिंग में था, 8,000 डेप्रिसिएशन रखा, हमारा बचा कितना 72,000 अभी बैलेंस है। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन अभी अभी हम रखने जा रहे हैं, रखा नहीं है, तो वो होगा 7,200, क्योंकि 72,000 का 10% करोगे 7,200 ये बचेगा बैलेंस। और अगर हम दूसरे मशीन की बात करें जो सेकेंड मशीन परचेस किया है वो है 72,000 का, उस पर हम 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो होता है 3,600। तो इस तरह से यहाँ बैलेंस इतना बचता है। नाउ हमारे पास दो डेप्रिसिएशन हो गए, पहला डेप्रिसिएशन हो गया ये सेकेंड मशीन वाला 3,600 और दूसरा डेप्रिसिएशन हो गया ये वाला 7,200। सो 7,200 प्लस 3,600 आप इफेक्ट दोगे दोनों का कंबाइनली बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,200 प्लस 3,600 10,800। नाउ क्लोज द अकाउंट। अच्छा ये तो डेप्रिसिएशन परचेस की एंट्री यहाँ पर देनी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह से दिया जाता है। नाउ आप इनका कर दोगे टोटल, इसका टोटल करोगे तो आता है 1,44,000। इस 1,44,000 पे इतना कर दो माइनस, तो जो बचा वो है 1,33,200। नाउ दिस 1,33,200 इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो अगले साल के लिए होगा ब्रॉड डाउन, तो अगले साल हम लिखेंगे 1,4,14 टू बैलेंस कैरिड डाउन, या ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं 1,33,200। नाउ
अब देखो, हमने पहला वाला मशीन बेच दिया, कौन सी तारीख को बेचा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये बेचा है 31/3/15 को, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। कैसे बेचा? 20% लॉस से। तो चले कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन मैंने देख लिया था, जहाँ तक टिक मार्क है। फिर 10% थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, इतना माइनस किया तो ये बची वैल्यू, जिसे कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, अब इस पर आपको लॉस हुआ, तो लॉस मतलब हुआ माइनस, तो -11,604। तो आपको पैसा कितना मिलेगा बैंक में? बैंक में मिलेगा 46,656। तो जनरल एंट्री लिखनी तो नहीं है, लेकिन लिखते तो कैसे लिखते? लिखते तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट 46,656 टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, या फिर पीएनएल अकाउंट 11,664 एंड टू जस्ट अ सेकेंड, या अगेन। तो एंट्री क्या होती? एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 46,656, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट हो जाता है, ये है ना, डेबिट होता। ठीक है, डेबिट 11,664 टू मशीन अकाउंट 58,320, इस टाइप की एंट्री होती। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन पहला ये मिल गया। और दूसरे वाले मशीन का अगर डेप्रिसिएशन देखें, तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होता है उसका? उसका डेप्रिसिएशन देखो, इतना बैलेंस है, इस बैलेंस पे आप 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ये आता है, तो इसका डेप्रिसिएशन इतना। अब एंट्री अगर करेंगे तो किस टाइप की एंट्री होगी? देखिए, यहाँ तक तो पूरा हो गया था। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेट सेम है, पहले वाले मशीन का, दूसरे वाले मशीन का, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया इतना। बाय बैंक अकाउंट, जितने में बेचा उतना, जो लॉस हुआ उसके लिए लिखोगे पीएनएल अकाउंट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट, ये रहा। अब इस साइड का अगर आप टोटल कर दो, तो यहाँ आता है 1,33,200। इस 133 में से इतनी वैल्यू अगर आप माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा वो सेकेंड मशीन की वैल्यू होगी, उसे हम कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बचता है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन 61,560। सो दैट्स इट। होपफुली आपको ये इलस्ट्रेशन जो है अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अगर ये समझ में आ गया है, तो मेरा जो लेक्चर है और मेरा जो ये चैप्टर है, यहाँ पूरा होता है। एक है डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट आपके इस करंट ईयर के सिलेबस में, मतलब 2020 और 21 के सिलेबस में निकाल दिया गया है, ठीक है, कोरोना के वजह से। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट नहीं करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करोगे तो आपका होमवर्क क्या होता है? आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतना कंप्लीट होना चाहिए। सारी इलस्ट्रेशन 2 टाइम करोगे तो डेप्रिसिएशन को ना आप खा जाओगे, आपको डेप्रिसिएशन ना बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड एक्सरसाइज में सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करोगे, ठीक है, इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करते हो, दैट वुड बी सफिशियंट फॉर मी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।